इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसमें हमें इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि अर्न इट एज कैशबैक सो फार, यहाँ पर शो ही नहीं करता हमारा कैशबैक। बाकी हम सब चीज़ों को खरीद चुके होते हैं और कैशबैक भी कुछ अप्लाई हुआ होता है, बट फिर भी यहाँ पर शो नहीं करता। तो रीज़न क्या रहता है उसका, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपने फ्लिपकार्ट के एक्सिस क्रेडिट कार्ड पर चले जाइए फ्लिपकार्ट से, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड लिमिट पर जाइए, ठीक है। और जब यहाँ पर आप जाएंगे, OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डल जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर आपको इसका लास्ट कैशबैक शो कर रहा होगा, ठीक है। लास्ट मंथ कैशबैक 269 269 रुपये यहाँ पर लास्ट मंथ का है, ठीक है। देखिए, जब यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से जब ये जाएगा और फ्रंट पेज पर जाएगा, तब आपको वहाँ पर ये शो करेगा। अब ये होता कैसा है पूरा का पूरा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए, ये रहता है करंट आउटस्टैंडिंग, अनबिलिट आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट बिल जनरेशन डेट, ठीक है। तो ये जो है पिछले मंथ का जो भी रहता है रिवेन्यू वगैरह, जो आपका कैशबैक रहता है जो आप यहाँ पर शॉपिंग करके, तो वो ऐड होता है आपका अगले मंथ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाथों हाथ ये आपका ऐड हो जाएगा, हाथों हाथ ये ऐड नहीं होता। जब बिलिंग पेमेंट हिस्ट्री विस्ट्री सब चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी, उसके बाद यहाँ पर ये ऐड होगा, ठीक है। इससे पहले आपको यहाँ पर ये शो नहीं करेगा। स्टेटमेंट पर आप चेक कर सकते हैं, चाहे किसी चीज़ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा डालेंगे कोड वगैरह, हर चीज़ वगैरह जब वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, तब ये यहाँ पर जाकर आपको, बाकी अगर आपको कोई और ही दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर एक्सिस बैंक के कॉल पर बात कर सकते हैं, इनसे सजेशन ले सकते हैं कि कब यहाँ पर आपका जो है ये जो है पूरा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है कैशबैक अर्नड ऑन दिस क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिलिंग सर्कल, ठीक है, उस सर्कल में ही आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।